हाय गाइज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज मैंने सोचा आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि यार आप करते क्या हो प्रोफेशन uh, क्या है और कैसे आपका ब्रेड एंड बटर चलता है और कैसे आपकी अर्निंग्स कैसे होती है एंड पूरे दिन मैं करता क्या हूँ तो ये दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं बट एक एलैबरेट करता हूँ एक वीडियो में अगर कर पाया थो. तो सी uh, जो मेरा मेन प्रोफेशन है अभी वो है इन्फ्लुंसिंग uh, आप कंटेंट क्रिएटर बोल सकते हो तो जैसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल मेरी देखोगे आप तो वहाँ पे लिखा है कंटेंट क्रिएटर यानी ब्रांड्स के लिए मैं कंटेंट बनाता हूँ अपना माइंड यूज़ करके उसमें हम स्क्रिप्टिंग करते हैं स्क्रिप्टिंग करते हैं उसका प्लान बनता है शूट कहाँ होगा इंडोर्स होगा आउटडोर्स होगा जिम में होगा कैसे होगा फिर उसका एक प्रोसेस है तो बताऊँगा कैसे कैसे वो होता है सो so, मेरा फर्स्ट प्रोफेशन वो है सेकेंड मेरा जिम है ख़ुद का तो वो एक मेरा सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग है नाउ इन दोनों के अलावा पहले मैं मॉडलिंग भी करता था अब मॉडलिंग मैंने छोड़ दी है क्योंकि अब टाइम नहीं है मेरे पास इतना ज़्यादा कि एक दिन में मैं कहीं कोई शो करूँ और मैं दस बारह घंटे कहीं जाके शूट करके आऊँ एंड मिस्टर इंडिया के बाद मैंने छोड़ दिया उसके पीछे पहले मैं करता था सो so, अभी मोटे मोटे दो प्रोफेशन मेरे ही चल रहे हैं उसके साथ साथ छोटा मोटा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं कुछ क्रिप्टो में कर लेते हैं सो दिस इज़ फ्यू अदर थिंग्स नाउ बता दो आपको कि किस तरह ब्रांडेड कंटेंट काम करता है जैसे इंस्टाग्राम पे आप देखते हो बड़े सारे ब्रांड के साथ मैं काम करता हूँ एंड पहले मैं बहुत अग्रेसिवली करता था कि अगर एक समझो एक महीने में अगर मेरे पास थर्टी ब्रांड्स आए तो मैं रोज़ ही कोई ना कोई ब्रांडेड पोस्ट डालता था तो लोग उसे पसंद नहीं करते हैं मतलब जितना एक एंगेजमेंट या प्यार एक नॉर्मल पोस्ट को मिलता है उससे बहुत कम एक ब्रांडेड पोस्ट में मिलता है अगर यूट्यूब के अंदर में अभी मैं कुछ ब्रांड ब्रांड को प्रमोट कर दूंगा ना कि यार ये फ़ोन बड़ा अच्छा है तो आप कमेंट आ जाएगा किसी ने कुछ यार ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो बट यू हैव टू सी कि ये हमारा यार अर्निंग का एक सोर्स है जैसे आप लोग जॉब करते हो आपके फादर हैं घर में और भाई बहन हैं वो सब जॉब करते हैं तो वो उस तरह से अर्न करते हैं हम कैसे अर्न करेंगे ना इंस्टाग्राम पे पिक्चर डाल के तो हमें इंस्टाग्राम पे पिक्चर डाल के तो हमारी कोई अर्निंग होती नहीं हो से कोई पे नहीं करेगा और यूट्यूब पर जब तक बहुत बड़ा एक सब्सक्राइबर एक सब्सक्राइबर बेस नहीं होता तब तक आपको अर्निंग नहीं मिलते और वो भी इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं आता कि आपका ब्रेड एंड बटर चल जाए तो ब्रांड प्रमोशन इज़ वन थिंग जो कि पहले ब्रांड टी वी एक्टर्स से करवाते थे या बॉलीवुड एक्टर है सलमान खान शाहरुख खान इनसे करवाते थे आप देख रहे हो अमिताभ बच्चन कब से ऐड कर रहे हैं ना बिस्किट्स हैं हर चीज़ का एक ब्रांड प्रमोशन होता है अब वो एक अलग सेक्टर चल रहा है और एक सोशल मीडिया पर ज़्यादा चल रहा है सो ये हमें मजबूरी बोलो है जो बोलो कि हमें काम करना पड़ेगा बट अब मैंने एक चीज़ करनी स्टार्ट करी इंस्टाग्राम पर कि एक बड़े प्लान लेआउट से मैं काम करता हूँ अगर मैं अपने पाँच छः पोस्ट डालता हूँ पर्सनल उसके बाद एक मैं ब्रांडेड पोस्ट डाल देता हूँ कि लोगों को ना लगे कि यार सब कुछ ये बस सेल ही सेल कर रहे हैं सेम वेज़ यूट्यूब पे भी प्लान है कभी सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा तो इसी तरह से उसको हम प्लान करके चलेंगे कि कम से कम ब्रांडेड कंटेंट जाए तो अब जितने भी ब्रांड आते हैं लकीली आप बोलो कि भगवान की दया से बोल दो कि थर्टी डेज़ हमारे पास मेरे पास काम होता है ब्रांड्स थर्टी डेज़ के लिए होते हैं कि मैं रोज़ शूट कर सकता हूँ सो उसको मैं प्लान करता हूँ अब कि यार इस हफ़्ते इसका होएगा चार दिन बाद ये वाला पोस्ट जाएगा कुछ बहुत अर्जेंट होता है तो उसको जल्दी डाल देते हैं अदरवाइज शेड्यूल करके काम चल रहा है सो so, ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आगे यूट्यूब पर भी अभी तो हमने कोई भी स्पॉन्सर दो तीन स्पॉन्सर आए हैं बट अभी हमारा चैनल बहुत नया है तो मैंने खुद ही नहीं लिया आएगा तो हम वो भी इंस्टाग्राम के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि और कोई तरीका नहीं है कमाई का ना इंस्टाग्राम पर मैं जिम के अंदर क्या करता हूँ जिम के अंदर मैं वर्कआउट करता हूँ लगभग तीन से साढ़े तीन घंटे 1600 कैलोरीज का मेरा टारगेट होता है जो कभी कभी दो हज़ार इक्कीस सौ बाईस भी हो जाता है सो so, बहुत मेहनत करता हूँ मैं वहाँ पे वहाँ पे कंटेंट रिकॉर्ड करने के लिए या तो सिद्धार्थ होता है या महक होता है या राकेश होता है उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा जाता है ना ब्रांडेड कंटेंट वो बनाता है उसकी प्लानिंग होती है सारी कि मेरे पास समझो ब्रांड आया ब्रांड आया तो मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ स्क्रिप्टिंग करके ब्रांड से स्क्रिप्ट अप्रूव करवानी पड़ती है कि ये सब बोलेंगे फिर वो ब्रांड वहाँ पर गोहेड देता है फिर हम जगह और डे और प्लान करते हैं फिर वो वीडियो उठ के एक एडिटर के पास जाता है एडिटर उसको एडिट uh, करता है फिर हमें भेजता है फिर मैं उसमें कुछ करेक्शन बताता हूँ फिर मैं ब्रांड को भेजता हूँ ब्रांड उसमें कुछ करेक्शंस बताता है और फिर फाइनल वीडियो कन्फर्म होता है और फिर वो पोस्ट होता है सो so, एक मिनट एक की वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और uh, काफ़ी लोगों का ब्रेड एंड बटर चलता है यार कि मेरा काम चलेगा वीडियोग्राफर का, का काम चलेगा एडिटर का काम चलेगा ब्रांड कमा रहा है ब्रांड पे अलग लोग हैं जो अर्न कर रहे हैं सो so, एक बहुत बड़ा चेन है सो so, हेट मत क्या करो ब्रांडेड कॉन्टेंट को अप्रिशिएट इट Uh, कुछ पसंद भी नहीं है जस्ट जस्ट लाइक इट और जस्ट इग्नोर इट बट बुरा मत लिखो यार क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ आर लाइफ और जिम uh, मेरे साथ ये होता है कि मैं ट्राई तो करता हूँ कि मैं दो बार जाऊँ दिन में पहले मैं जाता था बट अब क्योंकि शूट कर रहा हूँ तो पॉसिबल नहीं हो पाता है तो अगर मैं अर्ली मॉर्निंग शूट कर रहा हूँ uh, अर्ली मॉर्निंग जिम गया हूँ साढ़े पाँच बजे और मैं जिम में दस साढ़े दस ग्यारह बजे तक समझो मैं रहा और मैं वर्कआउट वगैरह करता रहा तो इवनिंग में नहीं जा पाता मैं फिर इवनिंग शूट कर लेता हूँ और अगर इवनिंग में मैं जिम कर रहा हूँ तो फिर मॉर्निंग नहीं मॉर्निंग तो फिर मैं उठ नहीं पाता फिर मैं मॉर्निंग देर से उठता हूँ और मैं आफ्टरनून में शूट करता हूँ और फिर मैं शाम को जिम में जाता हूँ ये दो रूटीन चल रहे हैं अभी बट अभी मेरी प्लानिंग ये है कि आ, नेक्स्ट वीक में आने वाले एक दिल्ली में आ, बैरी जॉन्स एक्टिंग इंस्टीट्यूट है सोच रहा तो हूँ तो वहाँ बोर हो गया थोड़ा लाइफ से थोड़ा चेंज और थोड़ा चैलेंजिंग अपने लिए बनाने के लिए थोड़ा मेरे लिए कम्फर्ट जोन आ गया कि मैं ये सब ईजिली मैनेज कर पा रहा हूँ दो कि ये बहुत काम है और uh, कई बार तो मुझे लोग कहते हैं मैनेजर रख लो एक जो पर्सनल मैनेजर है मेरे टाइम्स के बट एक जो ये सब ब्रांडेड कॉन्टेंट और स्क्रिप्ट राइटिंग इसके लिए तो आप ये रख लो बट ये मैं खुद कर लेता हूँ बट मुझे लग रहा है अभी मैं कंफर्ट जोन में आ गया सो एक एक्टिंग स्कूल जॉइन करेंगे आपने की वहाँ जाऊँगा थोड़ा चार पाँच घंटे टाइम इन्वेस्ट करूँगा कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी और कुछ एक्टिंग अपॉर्चुनिटी आई तो उसको भी करूँगा क्योंकि अभी तक मैंने लाइफ में एक ही ऑडिशन दिया मैं ऑडिशन देता नहीं हूँ जब पूरा मैं कॉन्फिडेंस का मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा हाँ मैंने कुछ चीज़ अच्छी तरह मेहनत करके सीख ली उसके बाद ही मैं ऑडिशन दूंगा वो उस चीज़ में बिलीव करता हूँ मैं मेहनत करके कुछ करने में और फ्लूक नहीं माना जाता आ, सो वो एक अपने लिए चैलेंज है तो अभी ये मेरा एक स्कीड्यूल चल रहा है और बस रात को फ्रेंड्स के साथ कभी कभी पब्जी खेल लेते हैं कभी टाइम मिला एक मूवी देख लिया फ्रेंड्स का कोई सीजन देख लिया एंड दैट्स इट दिस इज़ माई लाइफ एंड ऐसे मेरी लाइफ वर्क करती है एंड आप उसका एक बहुत इंटेग्रल पार्ट हो क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा प्यार नहीं दोगे इंस्टाग्राम पर या अभी यूट्यूब पे छोटी सी फैमिली है बट स्टिल पीपल अप्रिशिएट 99% ऑल हमारा पॉजिटिविटी रेट रहता है जो पॉजिटिव लाइक्स का या कमेंट्स का इवन इंस्टाग्राम मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कौन पॉजिटिव है आई हार्डली गेट एनी हेट मैसेज इन में लोगों को भरे रहते हैं वीडियो पर कभी हार्डली कोई वील uh, मेरी रील वायरल हो गई वो बारह करोड़ लोगों ने मतलब बारह मिलियन व्यूज़ थे उस पर बारह मिलियन व्यूज़ करोड़ लोगों ने वीडियो देखी है तो कितने सारे लोग थे सब्सक्राइब मुझे फॉलो तो नहीं करके गए बट बहुत ही कम लोगों के कुछ बैड कमेंट्स आते हैं या हेट कमेंट्स आते हैं सो तो उस चीज़ में बहुत लकी हूँ सो तो आप एक बहुत इंटीग्रल पार्ट हो लाइफ का और इस जर्नी का जितना आप लोग सपोर्ट करोगे बीट सोशल मीडिया कहीं भी इंस्टाग्राम पर या कोई भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म हो या यूट्यूब हो तो उतना ही हम लोग ग्रो करेंगे और हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा सो आई से अगेन एंड अगैन की टीम बहुत मेहनत करती है और राकेश हो सिद्धार्थ हो महक हो और जितने भी लोग हैं एडिटर हैं हम लोग के अगर कुछ एडिट कर रहे हैं अभी तो फिलहाल यूट्यूब में और सिद्धार्थ हम खुद ही हैंडल कर लेते हैं आगे टीम बढ़ेगी एडिटर भी रखेंगे ग्रो करेंगे सब लोग साथ साथ ग्रो करेंगे और ये पहले ही मैंने बोला था मेरा और सिद्धार्थ का कम्बाइन एक चैनल है दोनों हमने मिलकर स्टार्ट करा है एंड ये बिजनेस की तरह लेके चलना है इसको आगे टीम बढ़ानी है कहीं ड्रीम है एक ऑफ़िस लेना है यूट्यूब के लिए सिर्फ यूट्यूब के लिए एक ऑफिस लेना है एडिटर बैठे हैं वहाँ पे लोग काम करें वीडियोग्राफर है सब कुछ है और हमारे सेटअप लगे हुए हैं और कोई स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा है तो ऐसा एक बड़ा सा सपना है और उसको पूरा करना है तो आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए होगा तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करो कॉमेंट करो और कुछ क्वेश्चन पूछो डू लाइक द वीडियो और शेयर करो यार सबको भेजो फ्रेंड्स को बोलो यार इसको सब्सक्राइब करने के चैनल को क्योंकि बहुत ही नॉलेज फ़िल्टर करके देता हूँ मैं आप लोगों को कि आपके पास सबसे जेनविन और सबसे ऑनेस्ट हर चीज़ का फीडबैक मैं दे रहा हूँ और कोई भी वीडियो उठा लो मैंने बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी से बनाता हूँ उस वीडियो को लाइफ में भी ऐसा ही हूँ मैं सो so, प्यार दो सब्सक्राइब करो जितना हम लोग ग्रो करेंगे उतना अच्छा है और उतनी हम कंटेंट आप लोगों के लिए डालते रहेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो मिलते नेक्स्ट वीडियो मुझे